हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, और वो भी रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी प्लेन सरफेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी रहते हैं, तो उसको हम लोग और आज के लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा तो हम लोग बहुत सारे वेराइटीज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखे थे पिछले लेक्चर्स में, है ना। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि प्लेन सरफेस से इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, और भी आगे चल के हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ़ इमेजेस, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर्स के बीच में आ जाए कहाँ कहाँ पर इमेजेस बनती हैं, और अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने चल रहा हो तो उसकी इमेज किस स्पीड से चलती हैं, मिरर भी चल रहा हो तो इमेज किस स्पीड से चलती हैं, है ना। और अभी लेटेस्ट, अभी रिसेंट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो इंक्लाइंड मिरर्स के बीच में आ गया तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी और वो इमेजेस कहाँ कहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, और अभी भी कुछ चीज़ें कवर करनी बाकी हैं। जैसे देखिए, अभी इस टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं। जैसे पूछा जाता है कि एक पर्सन मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो उस मिरर की लेंथ, कम से कम कितनी लेंथ का मिरर हो जिससे पर्सन अपनी पूरी बॉडी को देख सके, पूरी कंप्लीट इमेज उस मिरर में देख सके, तो मिनिमम लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी पर्सन को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी हैं। देखिए ये सब टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको रखते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रेज। जी हाँ, ये लिमिटिंग रेज पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट का ये एक एग्ज़ाम्पल है, एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, लिमिटिंग रेज पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन्हीं लिमिटिंग रेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है जो अभी मैंने आपको बताया, कि एक पर्सन है अपनी कंप्लीट बॉडी, अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है सामने रखे मिरर में, तो मिनिमम लेंथ मिरर की क्या रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मिनिमम लिमिटिंग रेज पर बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या है एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट, और कुछ वैरायटीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं यही वाला क्वेश्चन, कि एक पर्सन है उसके सामने उसी के पैरेलल में एक मिरर रखा हुआ है तो उस मिरर की लेंथ कम से कम कितनी हो जिससे कि एक पर्सन अपनी पूरी बॉडी को देख सके। देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रिज़ल्ट याद भी हो, है ना। इसका रिज़ल्ट क्या होता है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। जी हाँ, h/2, यानी पर्सन की हाइट अगर h है तो आधी हाइट ऑफ मिरर से भी, पर्सन की आधी हाइट के बराबर की हाइट का अगर मिरर है तो काम चल जाएगा। ये रिज़ल्ट है, और ये ज़्यादातर लोगों को याद भी होता है। लेकिन देखिए भाई, अगर आप सिर्फ रिज़ल्ट पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो देखिए इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो रिज़ल्ट तो याद रखिए, अच्छी बात है, लेकिन ये किस तरह से डेराइव हुआ इसका डेरिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके डेरिवेशन से ही कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका डेरिवेशन, अच्छे से सीखिएगा, और इसी डेरिवेशन के बीच में ही कुछ क्वेश्चन और भी निकल कर आते हैं सामने, जिस पर बेस क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए भाई, सपोज़ करें कि ये है एक पर्सन, ये पर्सन है, ये है इसका हेड, और ये है यहाँ पर इसकी आइज़, और ये है फीट। ठीक है, अब पूरा पर्सन, पूरी बॉडी इस तरह से नहीं हम लोग बना रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग एक सिंबॉलिक पर्सन यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हेड है, ये आइज़ है, ये फीट है। अब देखिए भाई, इसके सामने एक, इसी के पैरेलल में एक मिरर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस मिरर की लेंथ कम से कम हम लोग यहाँ पर कितनी लें जिससे कि ये पर्सन अपनी पूरी इमेज को देख सके। सोचिए भाई, पूरी इमेज को देखना, इमेज को देखना, तो इमेज को देखना है ना पर्सन को मिरर में, तो बताइए पर्सन को अपनी पूरी इमेज कब दिखेगी, जब पर्सन को अपना टॉप हेड भी दिखे और पर्सन को लोएस्ट फीट भी दिखे। तो हेड टू फीट पूरा कंप्लीट इमेज देखना है पर्सन को मिरर में। अच्छा भाई, पर्सन को मिरर में इमेज देखना है तो इमेज हेड की भी दिखाई दे और फीट की भी दिखाई दे। तो सोचिए भाई, इमेज दिखती कब है, जब लाइट रेज आँख पर पड़ती है ना, तो हेड कब विजिबल होगा, हेड तब विजिबल होगा कि जब हेड से चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइज़ पर पड़े, तो हम कहेंगे कि इस पर्सन को हेड दिख रहा होगा।
और फीट कब विजिबल होगा, पूरा पैर कब विजिबल होगा, जब पैर से लोएस्ट पॉइंट से चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी आँख पर पड़ें, तो हम कहेंगे कि इस पर्सन को पूरा हेड टू फीट पूरी कंप्लीट बॉडी विजिबल हो रही होगी। अब सोचिए भाई, अगर कंप्लीट बॉडी इतने से ही विजिबल हो गई तो इतने पोर्शन को आप हटा भी सकते हो, इतने पोर्शन को आप हटा भी सकते हो। तो ये देखिए, ये हो गया मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, क्योंकि इससे छोटा अगर मिरर यूज़ करेंगे तो फिर या तो फीट नहीं विजिबल होगा, पैर कट जाएगा, या तो सर कट जाएगा, सर नहीं विजिबल होगा। ठीक है, तो यही है सबसे छोटा मिरर की लंबाई, इससे छोटा लेंगे तो पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज नहीं देख सकता होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब हमें इसी मिरर की लेंथ को कैलकुलेट करना है पर्सन की हाइट के टर्म में। बताइए भाई, पर्सन की हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ पर्सन क्या है? तो हाइट ऑफ पर्सन को हम लोग बोल सकते हैं एच एफ। ठीक है, तो एच टू एफ, तो ये हो गई हाइट ऑफ पर्सन। तो हमें मिरर की लेंथ को, मिरर की लेंथ अगर हम इस मिरर के इस पॉइंट को नाम दे दें एम वन और इस पॉइंट को नाम दे दें एम टू, तो हमें बताना होगा कि भाई एम वन, एम टू और एच एफ के बीच में क्या रिलेशन है। हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि भाई ये मिरर की लंबाई इस पर्सन की लंबाई के टर्म में कितनी है, आधी है, वन थर्ड है, दो गुनी है, कितनी है। तो हमें इसी को मैथमेटिकली थोड़ा डेराइव करना है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें यहाँ से डेराइव करना है इस प्रकार का। चलिए भाई, अब देखिए भाई, इसमें कुछ ज्योमेट्री हम लोग यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्शन तो है ही, तो रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए भाई, रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, तो अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल बना दें और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। तो सोचिए, अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सही है, ये पॉइंट जस्ट इसके सामने है। ठीक है, पैरेलल पॉइंट है ये, तो क्या इस पॉइंट को भी हम लोग नाम दे सकते हैं M2, और ये पॉइंट जस्ट इसके सामने है तो इस पॉइंट को भी हम लोग चाहें तो नाम दे सकते हैं M1। ना भाई, बात क्लियर है? चलिए भाई, तो ये M1 M2 पॉइंट हो गया। अब सोचिए भाई, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगी, और अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगी। यानी कि क्या लेंथ इक्वल हो गई, एच एम वन इक्वल होगा एम वन ई के, एंड ई एम टू इक्वल होगा एम टू एफ के। क्या कहते हैं, सही बात? ये क्यों आया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल कहाँ से इक्वल हो गए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो भी ये एंगल होगा, अरे कुछ नाम देना चाहे नाम दे दें, जो भी एंगल होगा वही ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। सही, तो एंगल इक्वल तो ये लेंथ भी इक्वल, ये लेंथ आपस में इक्वल, तो एक रिलेशन ये है। अब ज़रा देखिए, ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब देखिए भाई, आप एच से लेकर हेड टू फीट ये पूरी हाइट को अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहें तो किस तरह से आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको लिख सकते हो एच ई, एच ई प्लस ई एफ, ये लिखा जा सकता है। एच एफ को आप लिख सकते हो एच ई प्लस ई एफ। अच्छा भाई, एच एफ को क्या इन हाइट्स के टर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, अगर ये हाइट और ये हाइट इक्वल है तो यहाँ से पहले लिख लें, तो अगर ये हाइट इक्वल है तो एच ई इक्वल होगा टू टाइम्स एम वन ई के, और यहाँ से ई एफ इक्वल होगा टू टाइम्स ई एम टू के भी, टू टाइम्स ई एम टू के भी इक्वल होगा। अरे ये हाइट इक्वल है ना, तो ये हाइट इसकी डबल होगी और ये हाइट इसकी डबल होगी, किसी भी एक की डबल होगी। ठीक है, ये आगे काम आएगा, इसलिए हम लोगों ने पहले से इसको लिख लिया। आप देखिए, आप एच से लेकर एफ तक की हाइट को क्या लिख सकते हैं, एच ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं ईजिली। ठीक है, अच्छा एच ई को क्या लिख सकते हो अब यहाँ से, टू एम वन ई। भाई देखो, हमारा एम ये है कि हम किसी तरह से एच एफ को एम वन एम टू के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, एम वन एम टू के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। अब देखिए, यहाँ से अगर हम लोग टू कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एम वन ई प्लस ई एम टू। अब जरा देखिए, एम वन ई प्लस ई एम टू जुड़कर क्या हो गया, एम वन एम टू, यानी ये एम वन एम टू। ठीक है, तो ये आ गया टू एम वन एम टू एच एफ।
तो यहाँ से क्या आ गया M1 M2 इक्वल टू HF बाई 2। तो ये रिलेशन जो कि हमें याद रहता है कि भाई मिरर की मिनिमम लेंथ हो सकती है पर्सन की हाइट की आधी, तो आधी हाइट के मिरर से भी काम चल जाएगा, पर्सन अपनी पूरी बॉडी को मिरर में देख सकता होगा। लेकिन इससे छोटी हाइट का अगर मिरर है तो पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज मिरर में नहीं देख पाएगा, या तो सर विजिबल नहीं होगा या तो पैर विजिबल नहीं होगा। बात ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इसको डेराइव कर सकते हैं। अब देखिए, इसको डेराइव तो कर लिया, एक रिज़ल्ट तो हमारे पास आ गया, लेकिन देखिए अब ज़रा इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं इसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट याद रखिएगा, इस तरह से ये रिज़ल्ट होता है यहाँ पर। अब देखिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, जैसे कि देखिए आपसे कहा जाए कि एक पर्सन है, पर्सन की हाइट दे रखी है ना, पर्सन की हाइट दे रखी है, ये एच और ये एफ और ये आईज, ठीक है, पर्सन की टोटल हाइट है, पर्सन की टोटल हाइट है सपोज 180 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ हाइट ले लेते हैं। चलिए मिरर की भी हाइट दे रखी है, सपोज़ ये दे रखा है 90 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है कि ये 70 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है मिरर, ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर के ऊपर ये मिरर रखा हुआ है, मिरर की हाइट है 90, पर्सन की हाइट है 180। अब ऐसे में पूछा जा रहा है क्या ये पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज को देख सकता है मिरर में? तो देखिए भाई, पर्सन हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या मिरर की हाइट पर्सन की हाइट की आधी है ना। देखो मिरर की हाइट पर्सन की हाइट की आधी तो है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप आधी हाइट का अगर मिरर है तो ठीक है, आप क्या ऐसे मिरर को कहीं भी रख दें तो क्या पर्सन अपनी पूरी इमेज देख सकता होगा? नहीं देख सकता होगा भाई। अरे आप सोचिए, आप ज़मीन पर खड़े हो और आपने छत से लगा रखा है एक मिरर, हाँ उसकी हाइट आपकी हाइट की आधी है, तो क्या आप उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकोगे? नहीं देख सकोगे, तो कॉमन सेंस की बात है। तो फिर नहीं देख सकते तो फिर हम मिरर को कहाँ पर सेट करें जिससे कि पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज को देख सके, है ना। तो इससे एक बात ये समझ में आई कि मिरर की सेटिंग, मिरर की पोजीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मिरर की हाइट क्या पर्सन की हाइट की आधी है, मिरर की पोजीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ये पता लगाने में कि पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज देख सकता है कि नहीं उसके सामने, ठीक है। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि मिरर कहाँ पर फिट करें, मिरर को हम लोग कहाँ पर फिट करें जिससे मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर से काम चल जाए, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं, आप देखिए भाई, ज़रा इसको देख लेते हैं। देखो इसको हम लोग पहले इसको नॉर्मल इसके देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए ज़रा देखिए कि मिरर की सेटिंग कहाँ पर होनी चाहिए। देखिए तो अभी क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले कि भाई हेड तब विजिबल होगा जब इससे चलने वाली लाइट रेज आइस पर पड़े, और फीट यानी कि लोएस्ट पॉइंट कब विजिबल होगा, जब इससे भी पड़ने वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट आइस पर पड़े, ठीक है। तो जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है अगर ये ना भी हो तो काम चल जाएगा, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। अब सोचिए भाई, तो ऐसे में ये लेंथ कितनी आती है, ये लेंथ आती है एच एफ की आधी, यानी एच से एफ जो भी लेंथ होगी इसकी आधी लेंथ का मिरर अगर हो तो काम चल जाता है ऐसे में। अब सोचिए भाई, ऐसे में मिरर फिट कहाँ पर है, मिरर फिट कहाँ पर है, ज़रा इस बात को सोचिए। देखिए भाई, ऐसे में मिरर कहाँ पर फिट है, मिरर का क्या लोएस्ट या टॉप पॉइंट को अगर गौर करें, मिरर का जो टॉप पॉइंट है वो हेड और आइज़ के बीचों बीच में है, ठीक है। जिस टाइम मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर से पर्सन अपनी पूरी इमेज देख रहा होता है उस वक्त ये मिरर कहाँ पर फिट होता है, उस वक्त मिरर फिट होता है कि मिरर का टॉप पॉइंट हेड और आइज के मिड लेवल पर होता है, और मिरर का लोएस्ट वाला पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट किसी भी एक पॉइंट से भी आप चाहें तो देख सकते हैं, या दोनों से देखना चाहें दोनों से देख सकते हैं, मिरर का लोएस्ट पॉइंट हेड आइज और फीट के मिड लेवल पर होता है। कैसे? अरे क्योंकि ये एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो एंगल्स इक्वल होंगे तो ये जो पॉइंट का लेवल है ये किस लेवल पर होगा, आइज और फीट के मिड लेवल पर होगा। तो
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि क्या मिरर सही पोजीशन पर फिट है, क्या मिरर सही जगह पर लगाया गया है जिससे कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर से काम चल सके। तो ये चीज़ को देखकर हम लोग चेक कर सकते हैं कि मिरर सही जगह है या नहीं है। अगर सही जगह है तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर से काम चलेगा, और अगर सही जगह नहीं है तो इससे बड़ा मिरर हमें यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी पूरी इमेज देख सकेंगे। ठीक है, तो फिर से सुनिए, कहाँ पर फिट होना चाहिए मिरर? मिरर फिट होना चाहिए ऐसी जगह कि मिरर का टॉप पॉइंट हेड और आइज़ के मिड लेवल पर हो, बीचों बीच में हो, आइज़ हेड और आइज़ के मिड लेवल के सामने हो जस्ट, या मिरर का जो लोएस्ट वाला पॉइंट है वो आइज़ और फीट यानी कि जिस ग्राउंड पर आप खड़े हो वहाँ से आइज़ क्या मिड लेवल जो है उस लेवल पर होना चाहिए मिरर का लोएस्ट पॉइंट। ऐसी जगह पर अगर मिरर फिट है तो ठीक है, अदरवाइज़ ठीक नहीं है, पर्सन अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब ज़रा देखिए हम लोग उस क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। तो मिरर की लेंथ क्या थी? 90 सेंटीमीटर, अच्छी बात भाई। और पर्सन की टोटल हाइट क्या थी? 180 सेंटीमीटर। और एक डेटा इसको और बताना चाहिए कि भाई हेड और आइज के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो सपोज़ ये है 10 सेंटीमीटर। ये इतना डेटा दे रखा है, और ये बताया गया कि मिरर रखा हुआ है ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर ऊपर, और ये पूछा जा रहा है क्या पर्सन इस मिरर में अपनी इमेज देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा। अगर नहीं देख पा रहा होगा तो कौन सा पोर्शन कट रहा होगा, सर कट रहा होगा या पैर कट रहा होगा, ये भी बताना होता है। सही, तो ज़रा चेक करते हैं। तो पहली चीज़, मिनिमम लेंथ तो देखना ही देखना है, अगर मिनिमम से भी छोटा है तो देखते ही आप कह दीजिए कि भाई पर्सन देख ही नहीं पा रहा होगा पूरी इमेज, लेकिन मिनिमम लेंथ है या उससे ज़्यादा है तो देखने के चांस हैं। अभी फिर से कहा जा रहा है चांस हैं, कन्फर्म कब होगा? जब मिरर की फिटिंग, मिरर की पोजीशन भी कन्फर्म हो जाए। सही बात, चलिए भाई। तो देखिए भाई, पर्सन की हाइट है 180, तो इसकी आधी कितनी होगी? 90, तो 90 का तो है मिरर, यानी मिरर बिल्कुल लिमिटिंग लेंथ का है, बिल्कुल मिनिमम लेंथ है, इससे कम ज़रा सा कम हुआ तो वो देख नहीं पाएगा। अच्छा भाई, अब ज़रा देखा जाए मिरर सही जगह पर फिट है। कैसे देखते हैं मिरर सही जगह पर फिट है या नहीं? ऐसे देखते हैं कि क्या मिरर का लोएस्ट पॉइंट आइज़ और फीट के मिड लेवल पर है। ज़रा बताइए आइज़ और फीट का मिड लेवल ग्राउंड से कितना ऊँचा होगा? देखो भाई, अगर ये 180 है और ये 10 है तो बची हुई हाइट कितनी हो गई? 170, और 170 का अगर आधा करें तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 85 सेंटीमीटर। अरे भाई 170 बाई 2 करिए, तो 170 बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 85 सेंटीमीटर, और जबकि मिरर कहाँ पर है ना, तो इसका मिड पॉइंट ये है और मिरर रखा हुआ है 70 पर, तो 70 पर रखा हुआ है, यानी कि आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि ये कहेंगे कि भाई मिरर का जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पर होना चाहिए, होना कहाँ पर चाहिए? 85 पर, ये उससे भी नीचे है भाई। मिरर का लोएस्ट पॉइंट जब 85 पर होता तब सब सही होता, लेकिन मिरर कहाँ पर है? मिरर है 70 सेंटीमीटर पर, यानी एक्चुअल से जहाँ पर होना चाहिए उससे भी नीचे है। तो सोचिए, अगर जहाँ पर होना चाहिए उससे भी अगर नीचे होगा तो कौन सा पोर्शन कट जाएगा, टॉप या बॉटम? देखिए भाई, अब लोएस्ट पॉइंट तो ईज़िली दिख जाएगा उसको, लेकिन सर से चलने वाली लाइट रेज अब इसकी आँख पर नहीं पड़ पाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो इससे हमें ये पता चला कि मिरर होना चाहिए 85 पर लेकिन है 70 पर, एक्चुअल से कम पर है, तो उसको सर विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। हाँ, ये ईज़िली विजिबल हो पा रहा होगा। बात क्लियर है भाई, है ना? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे में कहा जाए नहीं भाई, हमें मिरर को तो रखना है 70 सेंटीमीटर से ही ग्राउंड से, मिरर को हमें 70 सेंटीमीटर की हाइट से ही रखना है, तो ऐसे में हम कितने कम से कम लेंथ का मिरर यूज़ करें जिससे कि बात बन जाए, जिससे कि पूरी इमेज देख सके पर्सन। चलिए भाई ठीक है, तो अगर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट अगर
जहाँ होना चाहिए उससे नीचे है, तो लोएस्ट वाले पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से विजिबल होंगे। टॉप वाला पॉइंट जहाँ होना चाहिए अगर उससे ऊपर है तो ऊपर के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से विजिबल होंगे। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब ये पॉइंट जिस हाइट पर होना चाहिए उससे भी नीचे हो, तो ऊपर के पार्ट्स विजिबल नहीं हो पाएंगे, और ये पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए उससे भी ऊपर हो तो फिर लोअर पार्ट्स विजिबल नहीं हो पाएंगे, पैर कट रहा होगा, पैर नहीं दिख पा रहा होगा पर्सन को। सही है? ये पॉइंट जहाँ होना चाहिए उससे कहाँ होना चाहिए? अरे ये वहाँ होना चाहिए कि हेड और आइज के मिड लेवल पर होना चाहिए, लेकिन है उससे भी ऊपर, तो ऊपर के पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ये आइज और फीट के मिड लेवल पर होना चाहिए, लेकिन उससे भी थोड़ा नीचे है, तो लोअर वाले पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये जहाँ होना चाहिए उससे ऊपर हो, या ये जहाँ होना चाहिए उससे भी नीचे हो। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही होगी? ये जहाँ होना चाहिए यानी कि 85 पर होना चाहिए, लेकिन है 70 पर, तो नीचे के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आसानी से दिख रहे होंगे। किस में प्रॉब्लम आई होगी? ऊपर के पार्ट्स में प्रॉब्लम आई होगी, इसको सर नहीं दिख रहा होगा। सही है? तो बताइए, सर को दिखवाने के लिए हमें इस मिरर को और कितना एक्स्ट्रा ऊंचा लेके जाना पड़ेगा? हमें इसको ऊंचा लेके जाना पड़ेगा। बताइए भाई, हमें इस पॉइंट को लाना है कहाँ पर? ये पूरा 180 है, 180 में 5 हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 175 की हाइट पर हो ये पॉइंट। अच्छा भाई, 70 की हाइट पर तो यही है, हमें 175 की हाइट पर रखना है। तो बताइए कितनी लेंथ का मिरर इस बार लिया जाए? इस बार मिरर का लेंथ लिया जाए कम से कम 105 सेंटीमीटर का मिरर हो, तब जाकर पर्सन अपनी पूरी इमेज देख सकता होगा। बात क्लियर है? तो ऐसे में मिरर की हाइट होनी चाहिए 105 सेंटीमीटर। अगर हम मिरर को यहीं से रखेंगे तब की बात बताई जा रही है। ठीक है, चलिए भाई एक ज़रा एग्जांपल और देख लीजिए। देखें, कहा जा रहा है कि ये है हेड, ये है आइज, ये है लेग, चलिए फीट। कहा जा रहा है कि एक मिरर इसके सामने रखा हुआ है, लेकिन इस बार मिरर रखा हुआ है 90 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है, ये पर्सन की हाइट है सपोज़ 170 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या पर्सन, अच्छा भाई ये दे रखा है सपोज़ 85 सेंटीमीटर। सही है, इतना डेटा दे रखा है 85 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है क्या पर्सन अपनी पूरी इमेज को देख सकता होगा? बताइए भाई, पर्सन क्या अपनी पूरी इमेज देख सकता होगा? कैसे चेक करेंगे? पहला चेकिंग ये होगी, पहली टेस्टिंग ये होगी, क्या मिरर की लंबाई पर्सन की हाइट की आधी है? अच्छा भाई, पर्सन की हाइट क्या है? 170, तो 170 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 85। और मिरर की लेंथ जस्ट 85 है, यानी कि बिल्कुल मिनिमम लेंथ का मिरर है, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इससे थोड़ा भी कम होता तो यहीं से हम लोग कह देते कि पर्सन को उसकी इमेज नहीं दिख रही होगी। लेकिन अगर 85 है तो दिखने के चांस हैं, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, कंफर्म कब होगा? कंफर्म तब होगा जब हमें ये पता चल जाए कि ये पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। या ये ना पता लगा लीजिए, आप इसको पता लगा लीजिए, ये पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। तो सेफ हाइट क्या होती है इस पॉइंट की ग्राउंड से? आइज और फीट के बीचों बीच में। तो बताइए, आइज और फीट यानी कि जहाँ पर पर्सन खड़ा है उसके बीच की हाइट कितनी हो गई? 160। और 160 का आधा करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। बताइए भाई, 80 सेंटीमीटर यानी जहाँ होना चाहिए उससे ऊपर है। होना चाहिए था इस वाले पॉइंट को 80 की हाइट पर, लेकिन दे रखा है 90। तो ऐसे में बताइए क्या प्रॉब्लम फेस करता है पर्सन? ऐसे में सर नहीं दिखेगा या पैर नहीं दिखेगा? जहाँ होना चाहिए उस ये वाला पॉइंट जहाँ होना चाहिए उससे ऊपर हो तो पैर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो फिर जहाँ होना चाहिए उससे और ऊपर है, तो और अच्छी बात है।
और अच्छी बात है, देखो कुछ इस टाइप का हो रहा होगा, ये लाइट रे जा रही होगी और ये पहुंच जा रही होगी, लेकिन यहाँ से जब लाइट रे जा रही होगी तो ये और इसके ऊपर निकल जा रही होगी, क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे में पैर विजिबल नहीं हो रहा होगा पूरा पूरा। तो मिनिमम लेंथ का होने के बाद भी ये पर्सन इस मिरर में अपनी पूरी इमेज को देख नहीं सकता होगा। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ का या उससे ज़्यादा का तो लेंथ का मिरर होना ही चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल कर आई सामने, कि मिरर को एक सही जगह पर फिट होना चाहिए। सही जगह क्या होती है, कि मिरर का टॉप वाला पॉइंट हेड और आइज के मिड लेवल पर हो, उससे ऊपर है तो और अच्छी बात है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए अदरवाइज सर नहीं दिखेगा। या मिरर का लोएस्ट वाला पॉइंट आइज और फीट के मिड लेवल पर होना चाहिए, या उससे भी नीचे है तो और अच्छी बात है, अगर उससे भी ऊपर है तो पैर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट है एक पर्सन को पूरी इमेज देखने के लिए मिरर में। बात सही है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जनरली लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जैसे क्या सोचिए, इस मिरर को अगर हम थोड़ा पास रख दें, क्या इस रिज़ल्ट में कोई चेंज आएगा? क्या अब और छोटे लेंथ से काम चल जाएगा या और बड़े लेंथ के मिरर से अब काम चलेगा? यानी क्या इस रिज़ल्ट में मिरर और पर्सन के बीच की डिस्टेंस का कोई रोल है? नहीं भाई, बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। यानी कि ये मिरर पर्सन से एक मीटर की दूरी पर रखा है तो भी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना होगा? पर्सन की हाइट का आधा। और ये मिरर अगर 10 मीटर की भी दूरी पर रखा है, 10 मीटर की भी दूरी पर रखा है, ठीक है, 10 मीटर की भी दूरी पर रखा हो तो भी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड क्या होगी? पर्सन की हाइट की आधी। देखिए भाई, ये इनके बीच की दूरी तो डेरिवेशन में कहीं आई ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि देखने से लगता है कभी कभी कन्फ्यूजन कि भाई इसके बीच की दूरी का भी कुछ ना कुछ रोल होगा इस रिज़ल्ट में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी चपका कर रख दीजिए फिर भी यही रिज़ल्ट होगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होगी पर्सन की हाइट की आधी। ओके, चलिए भाई, तो ये इतनी चीज़ है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग और भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए, एक और उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस बार ये है कि एक मिरर है और इससे डी डिस्टेंस पर एक पर्सन है और डी डिस्टेंस पीछे ही एक वॉल है, यानी कि ये पर्सन वॉल और मिरर के बीचों बीच में खड़ा हुआ है। ऐसे में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या हो जिससे कि ये पर्सन मिरर में अपने पीछे पूरी दीवार को देख सके। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, ये मिरर की लेंथ कम से कम कितनी हो? भाई बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा मिरर होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटा से छोटा कितना मिरर हो जिससे कि ये पर्सन इस मिरर में अपने पीछे पूरी दीवार को देख सके। पूरी दीवार देखना यानी कि दीवार का टॉप से लेकर दीवार का बॉटम। ठीक है, और ये पर्सन कहाँ पर है, इसकी पोजीशन वॉल और मिरर के बीचों बीच में। अब फिर से देखिए भाई, पूरी इमेज तो तभी दिखेगी ना जब इस वॉल का टॉप वाला पॉइंट भी पर्सन को विजिबल हो और मिरर का जो लोएस्ट वाला पॉइंट है वो भी पर्सन को विजिबल हो। और विजिबल कहाँ से होता है? आँख से। यानी कि अगर हम लोग मानकर चलें कि भाई यहाँ पर है पर्सन की आई, तो मिरर का ये वॉल का ये वाला पॉइंट जब रिफ्लेक्ट हो तो इसकी आँख पर ये जाए लाइट रे, और इस वाले पॉइंट से भी जब लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये देखिए भाई, तो भी इसकी आँख पर पहुँच सके। अगर इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुँच जाए आँख पर तो हम कहेंगे कि इसका वॉल का टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा विजिबल होगा पर्सन को। अच्छा भाई, अब जो एक्स्ट्रा मिरर है इसको आप हटा सकते हो, ये ना भी हो और ये ना भी हो, यानी कि सिर्फ इतनी लेंथ का मिरर हो तो काम चल जाएगा। सही है, पूरी वॉल विजिबल होगी क्योंकि इसके टॉप से आने वाली लाइट रे भी आँख पर पहुँच रही है और इसके बॉटम से आने वाली लाइट रे भी आँख पर पहुँच रही है, तो पूरा वॉल विजिबल होगा ईजिली। अब हमें फिर से ज्योमेट्रिकली ये देखना है कि भाई इस मिरर की लंबाई क्या हो, इसको हम लोग नाम दे देते हैं M1 और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M2। ठीक है, अच्छा, इस बार हमें M1 M2 को बताना है किसके टर्म में,
हाइट ऑफ वॉल के टर्म में यानी ए बी के टर्म में हमें बताना है कि क्या रिलेशन होगा, एम वन एम टू और ए बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या इस मिरर की हाइट इस ए बी हाइट की आधी होगी, वन थर्ड होगी, वन फोर्थ होगी, कितनी होगी, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो फिर से देखिए करना शुरू करते हैं कि एक हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। भाई इसका हेड कहाँ पर है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो पर्सन की आई से मतलब है बस। ठीक है, हेड कितना हाइट ऊपर है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, है ना। अगर ये पॉइंट था M1 तो इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट को भी आप कहना चाहें तो M1 कह सकते हैं, और इस पॉइंट को भी आप M1 नाम दे दीजिए। भाई ज़्यादा एक्स्ट्रा नए नए नाम मत इन्वॉल्व करिए, है ना। तो ये अगर M2 था तो इसके सामने वाले को भी M2 बोल दिया और उसके जस्ट सामने वाले को भी M2 बोल दिया। आप देखिए, अब फिर से देखिए भाई, रिफ्लेक्शन में तो ये तो तय होता है कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। भाई एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर भी जो भी एंगल ये होगा अल्फ़ा, सेम एंगल ये होगा अल्फ़ा, जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, जो पिछले केस में काम आसान हो गया था वो इस वजह से क्योंकि लाइट यहाँ से जा रही थी और यहाँ पर आ रही थी, और ये डिस्टेंस बराबर थे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर था। लेकिन इस बार देखो, लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे रुक रही है, तो इस बार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। इस बार कुछ डिफरेंट रिलेशन होगा इनके बीच में। क्या रिलेशन होगा इसको हम लोग देख सकते हैं फिर से। देखिए भाई क्या रिलेशन होगा, ज़रा इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो tan थीटा इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा, ए एम वन अपॉन टू डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 2d। और ज़रा इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इसमें भी अप्लाई करिए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा ई एम वन अपॉन डी, ई एम वन अपॉन डी। दोनों tan थीटा को इक्वेट कर दीजिए तो इन दोनों से रिलेशन क्या मिलेगा, ए एम वन, है ना। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो ई एम वन अपॉन डी इक्वल टू ए एम वन अपॉन टू डी, डी से डी कैंसल, यानी आ गया टू ई एम वन इक्वल टू ए एम वन। एक रिलेशन ये हो गया। क्या रिलेशन ये बता रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि ये हाइट इस हाइट की डबल है, ए एम वन बराबर टू ई एम वन। तो फिर सिमिलर वे में अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे, इस बड़े वाले ट्राइंगल में एक बार लगाओगे tan अल्फ़ा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में एक बार लगाएंगे tan अल्फ़ा, तो इससे भी क्या रिलेशन आने वाला है, इससे भी क्या रिलेशन आने वाला है, सिमिलर, है ना। tan अल्फ़ा देख लीजिए, यहाँ पर आप tan अल्फ़ा अप्लाई कर लीजिए तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या जाएगा, एम टू बी अपॉन टू डी। और यही tan अल्फ़ा आप यहाँ पर अप्लाई करिए, तो यहाँ से अगर आप tan अल्फ़ा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ई एम टू अपॉन डी। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ यहाँ से अगर आप इक्वेट करेंगे तो इससे भी क्या आ जाएगा, टू ई एम टू इक्वल टू एम टू बी। ठीक है, ये दो रिलेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे का काम देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे का काम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि बताइए पूरे इस वॉल की लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, ए बी को। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए एम वन प्लस एम वन एम टू प्लस एम टू बी। अरे लिख सकते हैं भाई, देख लो, ए एम वन प्लस एम वन एम टू प्लस एम टू बी। अब देखिए ए एम वन को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, टू ई एम वन से। एम वन एम टू तो अपनी जगह है ही, और इसको भी रिप्लेस कर दीजिए टू ई एम टू से। देखिए यहाँ से टू कॉमन हो जाएगा ई एम वन प्लस ई एम टू, और ये हो गया M1 M2, सही है। अब बताइए EM1 प्लस EM2, EM1 प्लस EM2 ये ऐड होकर क्या बन गया, ये भी M1 M2 बन गया, तो ये हो गया 2M1 M2 प्लस M1 M2। अरे सही है, तो ये हो गया 3M1 M2, कौन AB। तो ज़रा बताइए M1 M2 इक्वल टू क्या हो गया, M1 M2 की वैल्यू आ गई ए बी बाई थ्री, ये आंसर आ गया, सही है। यानी इस सिचुएशन में अगर ये पर्सन अपने पीछे की पूरी दीवार को इस मिरर में देखना चाहता है तो मिरर की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए इस वॉल की हाइट की, वॉल के हाइट की वन थर्ड होनी चाहिए। ठीक है,
तो देख पा रहे हैं आप लोग कि किस तरह से हम लोग लिमिटिंग रेज, अरे लिमिटिंग रेज क्यों कह रहे हैं, लिमिटिंग मतलब कि सबसे एंड्स वाली, एंड वाली लाइट रेज, सबसे आखिरी आखिरी वाली लाइट रेज, तो सबसे आखिरी वाली लाइट रेज को लेकर ही तो हम लोग काम कर रहे हैं। उधर एंड से आने वाली लाइट रे आँख पर पड़े, इधर एंड से आने वाली लाइट रे आँख पर पड़े, तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स किस पर बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन लिमिटिंग रेज। ठीक है, देखिए एक इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और हम लोग केस देख सकते हैं, जैसे कि इस बार ऐसा कुछ है कि एक सीलिंग पर एक लाइट का सोर्स लगा हुआ है और इससे एच हाइट नीचे एक मिरर है। अब ये पूछा जा रहा है कि इस सोर्स से जब लाइट इमिट होगी और मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस सीलिंग पर जब जाएगी तो कितनी लेंथ का स्पॉट बनेगा, उस स्पॉट की लंबाई बताइए। अगर इस तरह की सिचुएशन है, किस लाइट का, रिफ्लेक्टेड लाइट का स्पॉट छत पर कितना बनेगा, है ना। जैसे होता है ना कि कभी कभी आप सन के सामने मिरर दिखाते हो और वापस किसी दीवार पे मारते हो तो दीवार पर एक स्पॉट बनता है, उसी तरह का यहाँ पर लाइट का सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और इससे कुछ एच डेप्थ, एच नीचे रखा हुआ है एक प्लेन मिरर, इससे लाइट इस पर पड़ेगी और इस पर पड़ने के बाद वापस छत पर पड़ेगी तो कितनी लेंथ का स्पॉट बनेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए ये भी लिमिटिंग रे पर बेस्ड है क्योंकि हमें लेंथ ऑफ स्पॉट बताना है ना, तो स्पॉट कहाँ से बनना शुरू होगा और कहाँ तक बनता चला जाएगा ये निकाल लो, यानी कि सबसे पहली लाइट रे देख लो और सबसे आखिरी वाली लाइट रे देख लो। बताइए सबसे पहली लाइट रे जो होगी वो यहाँ पर इंसिडेंट होगी और यहाँ कहीं पर गिरेगी, और सबसे आखिरी वाली लाइट रे ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी और कहीं यहाँ पर गिरेगी, यानी ये होगा स्पॉट की लंबाई, लेंथ ऑफ स्पॉट। हमें इसी लेंथ को कैलकुलेट करना है कि ये लेंथ इन गिवन टर्म्स के, गिवन डेटा के टर्म में क्या है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो एंगल ये होगा सेम एंगल ये होगा, और जो एंगल ये होगा सेम एंगल ये होगा, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, सही है। अब देखिए इसमें थोड़ी ज्योमेट्री अप्लाई किया जाए, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें, अब देखिए हमें ये चीज़ नहीं पता कि ये लेंथ कितनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको x मान लें, लेट ये हमने अपनी तरफ से माना x, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी क्या हो जाएगी, x। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, x प्लस l, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी क्या होगी, x प्लस l, यानी ये लेंथ भी हो गई, ये लेंथ भी हो गई x प्लस l। आप सोचिए भाई स्पॉट तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना और यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर पहली लाइट रे पड़ी, इसके बाद तो पड़ती जाएगी, इसके बाद तो पड़ेगी, इसके बाद तो पड़ेगी और आखिरी वाली यहाँ तक पड़ रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पॉट बन रहा है। ये छोटी सी लंबाई अगर हमें और पता चल जाए तो हम इस लेंथ को इस लेंथ में जोड़ देंगे तो पूरे स्पॉट की लंबाई आ जाएगी। ये छोटी सी लेंथ क्या है, देखिए भाई ये टोटल एल है, ये एक्स है, तो ये लंबाई क्या हो गई, एल माइनस एक्स, देयरफोर लेंथ ऑफ स्पॉट क्या हो गया, देखिए लेंथ ऑफ स्पॉट हो गया एल माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एल, ये एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 2L, यानी कि स्पॉट की लंबाई मिरर की लंबाई की डबल होगी, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सब लिमिटिंग रेस पर बेस केसेस हैं कि पहले वाली लाइट रे और आखिरी वाली लाइट रे को लेकर हम लोग स्पॉट की लंबाई बता सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रेस, पहली और आखिरी, ठीक है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या मिरर को ऊपर या नीचे करने पर इस स्पॉट की लंबाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या ये छोटा या बड़ा होने के चांस हैं। बिल्कुल छोटे बड़े होने के चांस नहीं है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ स्पॉट 2L है और इस आंसर में ये हाइट है ही नहीं। अरे भाई इस आंसर में हाइट वाला टर्म तो है ही नहीं, तो अगर हाइट वाला टर्म नहीं है तो हाइट कम है या ज़्यादा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मिरर को चाहे पास में चिपका कर रखिए या मिरर को दूर रखिए, स्पॉट की लंबाई 2L के ही बराबर होगी, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम लोग इसमें ईजिली देख सकते हैं। चलिए भाई तो आगे हम लोग इसमें और भी आगे आने वाले लेक्चर्स में इस पर बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अभी और बाकी हैं जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आएंगी, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। ओके चलिए।